हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। बच्चों, दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस का अगर एडिशन हम कर रहे हैं, चाहे कितने भी मैट्रिसेस का एडिशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो सारी मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। मान लीजिए आपका ए एक मैट्रिक्स है, वो 2x3 की है। बी एक मैट्रिक्स है, वो भी 2x3 की है, तभी इन दोनों का एडिशन हो पाएगा। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है 4x2 की है, बी एक मैट्रिक्स है 3x2 की है, क्या इसका एडिशन हो पाएगा? इसका नहीं हो पाएगा, सिर्फ ओनली सेम ऑर्डर वालों का हो पाएगा एडिशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिसेस है 1x1 है, इन दोनों का एडिशन करना है हमें। करते हैं, ठीक है। 5 और 6 को ऐड कर दीजिए बच्चों। एडिशन के समय क्या करना है बच्चों? आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे ये वाला एलिमेंट आपको पता है, ये A11 है, ये A12 है, तो इसका A11 इसका B11 से हो जाएगा, सेम पोजीशन वाले से। A12 वाले का B12 वाले से हो जाएगा, A13 वाले का B13 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। साइन के साथ करेंगे हम, ठीक है। करते हैं बच्चों इसको। 5 का 6 से क्या कर दिया हमने? 11 आ गया। 9 और 0 9 आ गया। -3 और +5 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 6 + 1 कितना हो गया? 7। -5 + 9 कितना हो गया? 4। तो ये इसका एडिशन हो गया, ठीक है। हम सेकंड देखते हैं। एडिशन सीख लिया हमने मैट्रिसेस का, हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये बच्चों सेम ऑर्डर में होगी। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक मैट्रिसेस है 1 मैट्रिसेस है, ठीक है। हमें क्या करना है? इनका सब्ट्रैक्शन करना है। करते हैं बच्चों, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे। A11 वाले का B11 से करेंगे, तो 3 में से हमें क्या माइनस करना है? -4। जैसे माइनस करेंगे आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये +7 हो जाएगा। 1 - 0 करेंगे 1 आएगा। 5 - 7 करेंगे हम, -2 आएगा। 9 - 2 करेंगे हम, 7 आएगा। इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। एक चीज और ध्यान दो बच्चों, जब भी हम एडिशन कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहां पे जो ऑर्डर था वो क्या था हमारा? 2x3 था, ठीक है। तो बच्चों देखो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर भी क्या है? सेम वही रहता है, ठीक है। यहां भी देखो सब्ट्रैक्शन में, यहां 2x2 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिसेस जो आई सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर भी सेम आता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। अब बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का करना देख रहे हैं। स्केलर क्या होता है बच्चों? स्केलर मतलब कोई एक मैग्नीट्यूड, कोई एक नंबर। अब हमें किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। देखते हैं बच्चों, मान लो एक मैट्रिक्स है 7 - 3 - 4 - 5। हमें क्या करना है? हमें 5A निकालना है। तो 5A कैसे होगा बच्चों? मतलब इस मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। तो क्या करेंगे? सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से करेंगे 7 को, कितना हो जाएगा? 35। -3 को करेंगे 15। 4 को कर देंगे 20। 5 को कर देंगे 25।
है, तो हमने देख लिया किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। फाइंड एक्स, एक मैट्रिक्स एक्स निकालनी है इफ वाई, वाई मैट्रिक्स दे रखी है और कुछ कंडीशंस दे रखी है, एंड 2x प्लस y इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे x और y सब मैट्रिसेस हैं, रिजल्टेंट भी क्या है, मैट्रिसेस है। देखते हैं बच्चों यहां से हमें x वाली मैट्रिसेस निकालनी है। सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, वन जीरो माइनस थ्री और टू, यहां से 2x कितना आ जाएगा हमारा, 10 माइनस 32। वाई मैट्रिक्स से वाई यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में कर दूं मैं, ठीक है। यहां से हम 2x निकाल लेते हैं, 1 माइनस 3 कितना होगा बच्चों, माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो गया बच्चों। यहां से ये हमें ये वाली मैट्रिसेस क्या है, ये 2x वाली मैट्रिसेस है, लेकिन हमें तो 2x नहीं निकालना, हमें तो x वाली मैट्रिसेस निकालनी है। तो यहां से देखो बच्चों x क्या हो जाएगा, 2 साइड से लगाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/2, और ये मैट्रिसेस सेम टू सेम, हाँ ठीक। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिसेस को, 1/2 से। तो यहां से x देखो कितना आएगा मैट्रिसेस, इसको इससे कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस 1, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 1, 2 से डिवाइड ही करना है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 और ये माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों रिजल्टेंट एक्स मैट्रिसेस आ गए, हमें एक्स निकालनी थी, वाली मैट्रिसेस आ गए, ठीक है बच्चों। आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन की, ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बच्चों, कोई एक मैट्रिसेस है ए, दूसरी मैट्रिसेस बी, दोनों को ऐड करो और एक क्या करो, प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर दो, पहले बी को ए के साथ ऐड करो, तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल आ जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। हमने पहले ए को बी के साथ ऐड करा या फिर बी को ए के साथ ऐड करा, ये दोनों इक्वल आएंगी, ये कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव लॉ देखते हैं बच्चों, पहले हमने ए मैट्रिसेस को बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करा, फिर जो भी रिजल्टेंट आया उसको हमने सी के साथ ऐड करा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैट्रिसेस को बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को ऐड कर लो और उसको ए के साथ ऐड करोगे, तो इन ये दोनों चीजें सेम आएंगी, ठीक है। मतलब हम ऑर्डर आगे पीछे कर भी रहे हैं एडिशन में, मैट्रिक्स के एडिशन में, तो कोई फर्क नहीं आ रहा है रिजल्टेंट पे, ठीक है। थर्ड लॉ देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, क्या होती है बच्चों, किसी नंबर की आइडेंटिटी निकालते हैं, तो अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करें तो वही नंबर आता है, यहां भी वही चीज है। एक ए मैट्रिक्स है, उसके साथ हमने कौन सी मैट्रिक्स ऐड करी, ये जीरो नहीं है ये बच्चों, ये जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या, वो सेम मैट्रिक्स मिल जाती है, या फिर हम नल मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो भी हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये हमारी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मतलब ऐड करने के बाद सेम आइडेंटिटी मिल जाती है, उसी को बोलते हैं। फोर्थ लॉ देखो बच्चों, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, किसी नंबर का उसके नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करना, फिर रिजल्टेंट जीरो होता है। यहां भी ऐसी मैट्रिक्स में ऐसी बात है, एक ए मैट्रिक्स है, उसको किसके साथ ऐड कर दिया हमने, उसके नेगेटिव वाले मैट्रिक्स के साथ, जैसे ऐड कर देंगे हमें पता है बच्चों माइनस हो जाएगा, सारे उसके एलिमेंट्स माइनस होकर जीरो हो जाएंगे, तो क्या रिजल्टेंट आएगा आपका, जीरो मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स, ठीक है। या एक नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस प्लस ए मैट्रिसेस, वो ही आपको पता क्या होगी, नल मैट्रिसेस होगी, यानी जीरो मैट्रिसेस होगी, ठीक है, यही होता है एडिटिव इनवर्स। बच्चों थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। मान लो बच्चों एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है हमारा 2/3, एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/3, क्या हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बच्चों। जब ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे
जो भी ऑर्डर लिया हमने, मतलब फर्स्ट ए वाले को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज, ये दोनों सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाले का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। एक और देखो बच्चों, ए मैट्रिक्स से बी है, क्या इन दोनों का कॉम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो फर्स्ट वाले का कॉलम 2 है, सेकंड वाले की रोज नंबर ऑफ रोज 3 है, क्या इक्वल है ये? नहीं, इट मींस हम इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए इन टू बी मैट्रिक्स हम नहीं कर सकते, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ही नहीं बच्चों, ठीक है। पता चल गया आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरी चीज, जब इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इसके फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, चलो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, जो आंसर आएगा मैट्रिक्स में, वो किस फॉर्म में होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट वाले के रोज नंबर ऑफ रोज, सेकंड वाले का कॉलम, इस ऑर्डर का होगा 2/1, इस ऑर्डर का आंसर आएगा, ठीक है। क्या ध्यान दोगे बच्चों? फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाले का कॉलम, इस ऑर्डर का आएगा 2/1 रिजल्टेंट। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख लेना जब आएगा तो, ठीक है बच्चों। चलो हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2/2 की मैट्रिक्स है, ये क्या है? 2/3 की मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, क्या हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इक्वल है दोनों, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। क्या करना है जरा बच्चों देखते हैं पहले। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका उसकी रो लेते हैं, उसकी रो ले लेते हैं, और दूसरी वाली मैट्रिक्स की हम कॉलम ले लेते हैं, पहले वाले की रो और दूसरे वाले की कॉलम, और मल्टीप्लाई करते हैं। जरा देखो बच्चों, 5 की हम इससे 3 से कर देंगे, और दूसरे वाले एलिमेंट्स की इसकी इससे कर देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को बच्चों ऐड कर देना, ठीक है। फिर दोबारा से देखते हैं, पहले वाले की रो दूसरे वाले की कॉलम करके देखते हैं, इस पे 5 × -1 होगा, +2 × 0 हो गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, पहले वाले की रो और इसका थर्ड कॉलम, तो 5 × 7 + 2 × 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, हो गया फर्स्ट रो से काम हो गया सारा, फर्स्ट रो ने सबके साथ सारी कॉलम्स के साथ दूसरे वाले की मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, इसकी सेकंड रो को करेंगे पहले वाले मैट्रिक्स के सेकंड रो को करेंगे, किससे करेंगे? बारी बारी तीनों कॉलम से, पहले से करते हैं फर्स्ट, पहले वाले से करते हैं, सबसे पहले ये रहा फर्स्ट कॉलम से करते हैं इस रो की, 7 × 3 से करेंगे, 7 × 3 +0 × 5, ठीक है। फिर से इसकी रो की सेकंड कॉलम से करते हैं, 7 × -1 से करते हैं, +0 × 0 से हो गई, ठीक है। फिर यहां देखते हैं बच्चों, रो ये रहा, कॉलम ये रहा हमारा, 7 × 7 से करते हैं, 0 × 2 से करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इनको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 15 + 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? -5 + 0 आ जाएगा, ये 35 + 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 21 + 0 आ जाएगा, ये -7 + 0 आ जाएगा, ये 49 + 0 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली देखते हैं इसको कितना आ गया, ये
25 आ गया, ये 21 आ गया, ये -5 आ गया, ये -7 आ गया, ये 39 आ गया और ये आपका 49 आ गया। ठीक, ध्यान दिया बच्चों आपने किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले मैट्रिसेस का रॉ लेना है और सेकंड वालों का कॉलम लेना है बारी बारी, ठीक है, उनसे मल्टीप्लाई करनी है और ऐड करते जाना है। ठीक है, इसको दोबारा से भी आप देख सकते हो। एक चीज और ध्यान दो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन हो गया, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का ऑर्डर है। मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट वाले की रॉ और सेकंड वाले की कॉलम, यही ऑर्डर निकलता है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, 2/3 आ गई ना। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। एक चीज और ध्यान दोगे बच्चों, हमने ए का मल्टीप्लीकेशन बी मैट्रिक्स से कर दिया, हमें मिल गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स, क्या हम बी का एक ए के साथ मैट्रिक्स इसी में बी को पहले लेते हैं और ए को बाद में और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन होगा? देखो इसका ऑर्डर तो 2/3 है, इसका ऑर्डर है 2/3, बी वाले का ऑर्डर क्या है 2/2, नंबर ऑफ पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, है इक्वल नहीं है इक्वल, इट मीन्स b इंटू ए निकलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पे बच्चों कभी ये मत सोचना कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल होगा, देख रहे हो यहां पे पॉसिबल ही नहीं हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको। आगे पढ़ते हैं बच्चों, अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस करके देख लिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें। पहली प्रॉपर्टीज जो ये फॉलो करता है वो है एसोसिएटिव लॉ। क्या है एसोसिएटिव लॉ? ए मैट्रिसेस या बी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर दिया फिर हमने उसके बाद सी से कर दिया तो वो इक्वल होगा, ए मैट्रिसेस को बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद करोगे तो इक्वल होगा। तो ध्यान रखना बच्चों आपको ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ए बी सी ये सारी चीजें सेम रहनी चाहिए। ठीक है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, अभी हमने देखा पीछे होने से क्या हो जाता है, चेंज होने से ऑर्डर कई बार मल्टीप्लाई नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं, इसके दो लॉ हैं, ए मैट्रिसेस को बी प्लस सी से अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए को बी से कर दिया फिर ए को सी से कर दिया। सेकंड लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करना है तो ए को सी से कर दो प्लस बी को सी से कर दो, सभी चीजें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इक्वल होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी मैट्रिसेस को इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल आएंगे। थर्ड लॉ देखते हैं बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है सर, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। किया इसको क्या आ जाता है, जैसे आइडेंटिटी से करते हैं वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। ठीक है, और आगे पीछे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले उसको लेकर फिर दूसरे को चेंज करके तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। चौथा लॉ देखते हैं बच्चों, जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, हम लोग ये ध्यान रखते थे जब हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते थे और जीरो आता था, इसका मतलब ये होता था कि इन दोनों में से कोई एक नंबर जीरो जरूर है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। इट डज नॉट इम्प्लाई आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये दोनों ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से भी जीरो आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकती है। कैसे, हमने ए एक मैट्रिक्स ली, देख लो एलिमेंट्स ले लिए हमने, बी एक मैट्रिक्स ली एलिमेंट्स ले लिए, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, हमें पता कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, पहले वाली की रो इसकी कॉलम करो, जीरो की टू से करोगे जीरो आएगा, थ्री की जीरो से करोगे जीरो आएगा। ठीक है, पहले वाले की रो दूसरा कॉलम, ठीक है करो यहाँ पे जीरो वाले की थ्री से जीरो, थ्री वाले की जीरो वाले की थ्री से करा सॉरी जीरो वाले की थ्री से करा जीरो आ गया, थ्री वाले की जीरो से करा जीरो आ गया। ठीक है, अब इसके सेकंड रो देखते हैं और फिर इसके कॉलम देखते हैं, जीरो की टू से करा जीरो, ठीक है ये भी जीरो आ गया, फिर जीरो वाले की यहाँ पे देखो थ्री से करा जीरो, माइनस फोर वाले की जीरो से करा जीरो। ठीक है, ऐड करा क्या आ गया हमारा जीरो मैट्रिक्स आ गई, चार एलिमेंट्स हमारे जीरो आ गए। इसका मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है, आप इसकी एक्सरसाइज खुद कीजिए, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। साथ ही साथ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, वो भी थोड़ा पढ़ें इन चैप्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।